नमस्कार, सीक्रेट मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। चाणक्य की 10 बातें जो आपका जीवन बदल सकती है, जरूर देखिए। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी जिससे ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती है, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है, हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। इनका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। आचार्य चाणक्य की बताई गई 10 बातें आज यहाँ आपके सामने इस वीडियो के जरिए मैं शेयर कर रहा हूँ जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहली बात है, मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो चुप रहे और अपने विवेक से काम ले, इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। दूसरी बात यह है कि अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। अधिकांश लोग अपने चहेतों को अपने नजदीकी रिश्तों में अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ जाती है। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्ते में बढ़ जाते हो। ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने इन रिश्तों में बता देते हैं जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं, चाहे वह आपका दोस्त या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इससे बचें। तीसरी बात यह है कि आपका एक दोष आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा धन वैभव होने के बावजूद भी वे कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नरक बन जाता है। यह किस कारण होता है? हमारे एक दोष के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो या आप पैसे वाले हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होता है तो वो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे नशेबाजी करना, अय्याशी करना, घमंड करना या जुआ खेलना। इसीलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दें, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। चौथी बात यह है कि धन को सोच समझ कर खर्च करें। यह वाक्य आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम सब कंगाल है। बात बिल्कुल पते की है। बिना धन के न इज्जत है, न ही सुख और समृद्धि। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वे बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसों को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? अगर आपके पास अधिक पैसा हो तो उसे भी लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कि कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य की यह लाइन याद रखें कि कुबेर भी अपने आय से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसीलिए धन कमाएं, उसकी बचत करें और जब जरूरत हो तभी खर्च करें। पांचवी बात यह है कि बदनामी से डरे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होके जीने से मरना अच्छा है।
मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना होता है। यह आदमी को जीते जी हर पल मरवाती है। यह होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो और आपने गलत किया। जिंदगी में कोई ऐसा काम न करे जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीनी पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नजरों में पहले जैसे नहीं रहोगे। इसीलिए जीवन में कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचे। छठी बात यह है कि आलस्य को त्याग दे। इस दुनिया में बस 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं, पर दुनिया में तो लोग 100% हैं। तो आखिर ये 80% लोग सफल क्यों नहीं होते? अब आप कहोगे कि इन्हें अच्छी परवरिश मिली होगी या फिर इनके बाप दादा अच्छे घर से होंगे। नहीं, ये गलत बात है। आज ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने जमीन से आसमान की बुलंदियां छुई हैं। ऐसे लोग जो गरीब जीवन जीते हुए बहुत अमीर बन गए। इन सब में एक बड़ा फर्क है जो कि है आलस्य का। 80% लोग किसी काम को करने में आलस्य करते हैं, वहीं 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगा कर करते हैं। इसीलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनाना है तो आलस्य को त्यागो और परिश्रम करना सीखो। याद रखो, आलसी मनुष्य का कोई भी वर्तमान और भविष्य नहीं होता। 7वीं बात यह है कि जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं। आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी और वह उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करे, तो समझ ले कि यह इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचें। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी निजी या महत्वपूर्ण बातों को ऐसे लोगों से करने से बचें। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बातें बता दी तो समझ लो कि अब आपकी ये बातें निजी नहीं रही। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास न करें। 8वीं बात यह है कि अपने से कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती न करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी मित्रता कभी भी खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानियों में ही रहेंगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र कभी आपको कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वहीं आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा समझोगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। अगर मुसीबत के समय कभी वह आपकी हेल्प न कर पाए तो आपको अपनी मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका मित्र आपके लेवल का ही हो। 9वीं बात यह है कि वर्तमान में जीवन बिताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जिए। आपके पास ना तो आने वाला कल है और न ही बीता हुआ कल। आपके पास बस एक ही चीज है, वह आज। जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करते रहोगे तो खुद को ही दुखी करोगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो आने वाला नहीं, इसीलिए बीते कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचते हो तो वह भी आपको चिंतित ही करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपना आज खराब न करें। आपके पास सिर्फ अभी का पल है, इसीलिए इसे जिए। इस पल को ऐसे कार्य में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। आप अपने आज को संवारते रहो, आपका आने वाला कल अपने आप सही होता जाएगा।
दसवीं और आखिरी बात यह है कि खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। आप मानो या ना मानो, पर अधिकांश लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी रहते हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता, वह व्यक्ति दुखी रहता है, और उस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ लगाव है। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो तो आप माया मोह के चक्र में फंस जाते हो, और यही आपके दुखों का कारण होता है। चाणक्य की बातें वर्तमान माहौल से सटीक बैठती हैं। आजकल हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा रिलेशनशिप में रहने लगा है। अपनी नौजवानी की उम्र में वह रिश्ते में रहने लगा है, और जब इस रिश्ते में थोड़ी सी भी आपसी खींचतान या झगड़ा होता है तो वह तनाव लेकर बैठ जाते हैं। उसे अपने पार्टनर को खोने का भय रहता है, और इस चिंता में वह टेंशन में डूबा रहता है। वे खुद के लिए जीने के बजाय आपसी लगाव में फंस जाते हैं। अगर यह लगाव नहीं होगा तो वह अपने लिए वक्त निकालेगा, खुद को इम्प्रूव करेगा और अपने करियर में सफल होएगा। इसीलिए आपको अगर खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोचें जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। तो ये थी वो आचार्य चाणक्य ने कही 10 महत्वपूर्ण बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ को भी आप इन्जॉय कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।